राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। शिल्पा शेट्टी और राजकुंद्रा का रिश्ता सुर्खियों में बना हुआ है। राज ने 20 अक्टूबर को एक ट्वीट कर इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हम अलग हो रहे हैं, कृपया इस मुश्किल पीरियड में हमें टाइम दे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कपल के रिश्ते में दरार आ गई है। इस बीच हम दोनों की लव स्टोरी को याद कर रहे हैं। शिल्पा शेट्टी ने अपना दिल टूटने के बाद राज कुंद्रा को पाया था। बॉलीवुड में एक्ट्रेस को फिल्म धड़कन मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ काम किया था। एक वक्त था जब शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार के अफेयर के चर्चे बॉलीवुड में खूब हुआ करते थे। दोनों के बीच प्यार की शुरुआत फिल्म में खिलाड़ी तू अन्नाड़ी की शूटिंग के दौरान हुई थी, लेकिन अफसोस दोनों एक नहीं हो पाए। जितने चर्चे दोनों के रिश्ते के हुए थे, उतना ही जबरदस्त दोनों का ब्रेकअप भी हुआ। खबर थी कि अक्षय कुमार ने शिल्पा शेट्टी को छोड़कर ट्विंकल खन्ना से दिल लगा लिया था। ऐसे में शिल्पा को बड़ा झटका लगा था। शिल्पा शेट्टी उस समय अक्षय कुमार से काफी नाराज थी। उन्होंने साल 2000 में दिए इंटरव्यू में से बात की थी। एक इंटरव्यू में शिल्पा ने दावा किया था कि अक्षय कुमार ने शुरू से उन्हें धोखा दिया है। बड़ा दर्दनाक ब्रेकअप झेल चुकी शिल्पा शेट्टी की जिंदगी में राज कुंद्रा की एंट्री एक बिजनेस पार्टनर के तौर पर हुई थी। राज और शिल्पा की परफेक्ट लव स्टोरी के बीच बिजनेसमैन की एक्स वाइफ भी आई थी। राज कुंद्रा ने पहली शादी कविता कुंद्रा से की थी। दोनों ने काफी सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2003 में ब्याह रचाया था। दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम डेलिना रखा गया। 2005 में राज और कविता के रिश्ते में दरार आनी शुरू हुई, जिसके बाद 2006 में उनका तलाक हो गया। बाद में कविता ने शिल्पा शेट्टी पर उनकी शादी तोड़ने का आरोप लगाया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि शिल्पा की वजह से राज ने उन्हें और उनकी न्यूबॉर्न बेबी गर्ल को छोड़ दिया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।